गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने सोचा आपको अपना गार्डन दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ये डोर बनाया है अपने हाथों से, कैसे बनाया है क्या बनाया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए पूरा अरेंजमेंट किया है मैंने, लाइट्स लगाई हैं, पार्टी की रात की थोड़ी सी क्लिप्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। ये जो टी बुश होता है ना, ये देखिए ये वाला टी बुश मैंने क्या किया है, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अपने घर पर, सब कुछ घर पर ही हो जाएगा। ये जो टी बुश है देखिए, इसको मैंने नीचे दबा दिया है पेंट करके, तो ऐसे मैंने चार लगाए हैं, वो येलो वाला, वो और ये येलो वाला। लास्ट में मैं जो एक क्लिप ऐड करूँगी दैट इज़ लाइक फुल गार्डन। अभी मेरी हट बननी बाकी है, वो भी बनेगी, और थोड़ा धूप है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। दिस इज़ देखिए ये झूला, हाँ यहाँ पे वेलकम, आई थिंक मैंने आपको पहले दिखाया है बट आज डिटेल में दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने ग्रास लगाई है यहाँ पे। ये सारे आइडिया मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर पर पुराना जो सामान है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने चेस बोर्ड बनाया है, देखिए ये टाइल्स हैं और ये ग्रास है, तो आप इसे कटिंग करके लगा सकते हो। सीमेंट आपको लगाना पड़ेगा बेस में, और यहाँ मैंने लालटेन्स लगाई थी, उसके अंदर बल्ब है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने हटा दिए हैं फिलहाल। ये जो मैंने वेल बनाया है, सी दिस वन, इट्स अ बियर वेल एक्चुअली। ये देखिए ये बॉटल्स मैंने टांगी है, अभी लाइट मैंने हटा दी है इसमें से। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी है, ठीक है, और वो मैं अच्छे से आपको दिखाऊँगी जब रात को होगा। एक्चुअली बारिश हो रही थी तो मैं नहीं बना पाई वीडियो। ये मैंने बनाया है टायर एंड दिस केटल, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हट, मैं यहाँ पे बीच में एक हट बना रही हूँ, वो भी मैं वीडियो डाउनलोड करूँगी। और ये देखिए ये मैंने एक बनाया है, ये एक पानी बह रहा है एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कुछ और था, थोड़ा सा चेंज हो गया है वो। बाकी ये देखिए वेदर फिर से चेंज हो रहा है। वाओ, सी द एयरक्राफ्ट, इट इज़ जस्ट देयर। आई होप वो देखिए बादलों के बीच में से आ रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं शायद आप। देखिए मेरे ऊपर से निकला है अभी, जस्ट अभी आप देख सकते हैं। वेदर अच्छा है, हल्की सी धूप है लेकिन बारिश आएगी फॉर श्योर। ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है आजकल, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो मैंने टायर वाला तो आपके साथ शेयर किया ही था, वो जो फेंसिंग है वो सिर्फ वो मैंने खुद लगाई हैं, छोटी बड़ी करके। आप नॉर्मली देखते हो कि एक साइज़ में रहता है, लेकिन यहाँ मैंने अलग डिज़ाइन दिया है। मेरे फाउंटेन में कलर मैंने दिया है, ये देखिए ये पूरा है, और ये घड़े से पानी आता है शाम के टाइम पर। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, पार्टी हो चुकी है, अब नेक्स्ट पार्टी नेक्स्ट मंथ होगी घर पे तो नहीं है अभी, वैसे तो चलती रहती है। मैं आपको अपने नेबर के घर का हट दिखाती हूँ, ये देखिए ये हट बनाया है उन्होंने, आई होप आपको दिख जाए ये। सी इट्स अ ट्री हट, ये देखिए है ना। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लाइफ में यही चल रहा है, अभी मैं घर पे इंजॉय कर रही हूँ। आई एम इंजॉइंग दिस बीइंग अ हाउस वाइफ, नॉट हाउस वाइफ यू कैन से, बट हाँ घर पे हूँ। वो जो है दो वो मैंने खुद पेंट किए हैं, आई कवर्ड, उसमें भी मैं कुछ करने वाली हूँ। एक फेंसिंग और दिखाऊंगी मैं आपको, उससे पहले मैं आपको अपना स्टैंड दिखाती हूँ कि मैंने वॉल के लिए बनाया है। बहुत ईजी है बनाना, बनाते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज इट्स टू ईजी। सी दिस इज़ द वन ऑन वॉल आई पेंटेड, ये कुछ नहीं है बॉटल है, और ये फ्लावर मैंने इसमें सुतली होती है जो थ्रेड, आप कोई भी चमकीली थ्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। और ये डोर मैंने पुराने डोर को यूज़ किया है, दिस इज़ लवली, ये देखिए गार्डन डोर है। और मैं आपको क्या दिखा रही थी, फेंसिंग, ये देखिए नीचे बैम्बू फेंसिंग है, वहाँ तक जा रही है। इसको क्या करना है, आपको पूरा फेंसिंग नहीं करना है, थोड़ा सा फेंसिंग करना है, ठीक है। और ये अमरूद का पेड़ है, देखिए एक अच्छे से, हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये टी बुश होती हैं जो मैं हम लोग लेकर आए थे बहुत सारे बाग डोगरा से, उसमें मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हैं। और एक चीज़ और, ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें हमने कटिंग दी है, देखिए दिस इज़ द वे। तो घर डेकोरेट करने के बहुत 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 सारे ट्रिक्स हैं, जब हम करते हैं टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, लेकिन जितना मिलता है थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बताया है चीज़ें कि मैंने अपने हाथों से बनाई हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको अपना ड्राइंग रूम भी दिखाऊंगी। पहले देखिए आप,
सी दिस इज़ ऑल्सो आई मेड, एंड मैं आपको डेकोरेशन इसलिए दिखा रही हूँ कि लोगों को आइडिया आ जाएगा. मैंने आइडिया कहीं से नहीं चुराया, दिस इज़ माई ओन आइडियाज़. हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी हो, बट इट्स ऑल माई ओन. ये देखिए, ये मैंने पूरे प्लांट्स लगाए हैं. मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी ड्राइंग रूम में भी. मैंने शायद दिखाया है छोटे छोटे क्लिप्स में मेरा मैग्नेट कॉर्नर एंड समथिंग, बट मैं आपको अब अच्छे से बताऊंगी. रात को मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश आ गई थी, वीडियो बन नहीं पाया. और जो मैं आप शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट शेयर करने वाली हूँ. मैं वेट कर रही हूँ कि एयरक्राफ्ट का जो व्यू जाता है ऊपर से, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. थोड़ा धूप है आज, उसका टाइम होता है मॉर्निंग में 2-3 बार जाएगा वो, शाम को आफ्टर 3 o'clock 5-6 बार टेक ऑफ होता है. मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि कितना इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. एंड बस अभी तो मैं बताया आपको, घर सेट हुआ है मेरा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रेडी. जैसे कि एक पार्टी हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको भी बताया कि मैं पार्टी का वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं आपको बताती कि उसमें भी क्या क्या होता है. लाल चैन, आई फॉरगॉट टू शो यू, दिस इज़ लाल चैन. लाल चैन का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि इसमें कैरोसिन डालना पड़ेगा, इसमें वो जो होती है बत्ती सी होती है वो लगानी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है. आप इसको ध्यान से देखिएगा, आई होप इट्स क्लियर टू यू. ये देखिए, या ऐसी लालचन मैंने पूरी अपनी सीढ़ी में लगाई थी. मैंने कहा ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कुड नॉट मेक द वीडियो. इस लालचन में आपको होल्डर लगाना है. आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन, अगर ये चीज़ कॉमन है तो. ये हमारे पास ऑलरेडी थी, आई मीन वी हैव दी एवरी यूनिट हैज़ दी स्टोर, तो वो था हमारे पास, उससे निकाल के लगाया है मैंने, तो आप उसमें डाल सकते हैं. लाइट्स का मुझे बहुत शौक है, अभी सोलर लाइट्स आई नहीं है. जब मेरा गार्डन और अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी, टी हाउस भी बताऊंगी. और एक कैटल और है, किसी ने बनाई है, दैट कैटल इज़ ऑल्सो पेंटेड. तो जो पुरानी कैटल्स होती हैं, पुरानी लालचेंस होती हैं, पुराने सीढ़ी हो गए, पुराने बर्तन हो गए, इसके बाद मैं क्लिप ऐड करूंगी, आप उसमें देख लीजिए क्या क्या सामान है. और जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ सारा पुराना सामान है. ये देखिए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप कह सकते हो उसको. सी, इसका मैंने मकसद आपको बता दिया कि आई एम मेकिंग टी हाउस हियर, है ना. चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आस्क क्वेश्चन. ऑफकोर्स मेरे करियर के वीडियोज़ आएंगे, जैसे कि मैंने कहा उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए, बिल्कुल शांत दिमाग होना चाहिए, जो मेरा अभी था नहीं अभी तक. अभी फ़िलहाल 2 दिन के लिए मैं भी फिर बिजी हूँ, लेकिन आई कम बैक टू माई रूटीन होपफुली. और ये जो मैं वेट कर रही हूँ एक क्राफ्ट का, वो भी आने वाला होगा जल्दी से, तो मैं उसको आपको दिखा दूँगी. नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट टाइम. चलिए, आई विल टेक अ लीव. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ. मैं अपने ड्राइंग रूम का वीडियो ऐड कर दूंगी, जो जो मैंने किया है. चलिए मैं दिखाई देती हूँ. वैसे मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं अंदर गई तो एक क्राफ्ट निकल जाएगा, एंड आई वोंट बी एबल टू सी, बट आई विल शो यू मैंने क्या किया है. नॉर्मल लाइट है, हम एंटर करते हैं तो कर्टन नए लिए हैं हमने. दिस इज़ द वायर वॉल पेपर आई गॉट, दिस इज़ द मैग्नेट कॉर्नर मैंने मेरा बनाया है, एंड दिस इज़ द चिमनी एरिया जो मैंने बनाया है, और ये है मेरा लैम्प. अब मैं आपको चिमनी जला के दिखाती हूँ. ये देखिए, ये ऐसे आता है. सी, ठीक है, ये वॉल पेपर लगाया है, बाकी सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है. दिस वॉल पेपर जो फ्रेमिंग है, ये भी मैंने खुद की है. देखिए, फ्रेमिंग की है वॉल पेपर के ऊपर, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है. लाइक दिस, सो दिस इज़ माई ड्राॅइंग रूम. ठीक है, ये देखिए, बाकी मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे घर का टूर करा ही देती हूँ आपको. हाँ, ये मेरे भोलेनाथ है, फाउंटेन है, चलते हैं. दिस इज़ द की सेटल, ये पूरा कैटल सेट, दिस इज द कैटल सेट, सारा मेरा सामान है. ड्राॅइंग रूम है, सी द पिक्चर्स, दिस फैमिली पिक्चर्स एंड दिस, सी लाइक दिस. तो मैं डेकोरेशन पर्पज़ से आपको बता रही हूँ, ज़्यादा सामान नहीं है, बट जो है वो रीज़नेबल है एंड इट्स गुड. मैं आपको भोलेनाथ का ये दिखाना चाहती हूँ चलता हुआ, सॉरी. ठीक है, जो हमारे भोलेनाथ हैं, और दिस वन, पानी गिरता है इसमें से. ये देखिए, पानी इसमें है नहीं अभी, मैं पानी डाल के आपको दिखाती हूँ. ठीक है, जो हमारा है पॉट, उसमें पानी भर रही हूँ. तो ये देखिए,
साफ पानी डालती हूँ, इसको चलाऊंगी। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा शायद। सारा है मैंने इसमें भरा है पानी। सी दिस इज लवली, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फाउंटेन इज़ वेरी गुड फॉर दी हाउस पॉजिटिविटी। ये मेरा कॉर्नर है एंड दिस इज माई बुद्धा। अब इसमें क्या बेनिफिट है ये सब लगाने का? मेरे रशियन डॉल्स मैंने पैक किए हैं अभी, नॉर्मली इट्स ओपन। ये देखिए यार, लाइट्स बहुत अच्छी देता है रात को। ये रशियन डॉल्स हैं। तो ये मेरे घर की डेकोरेशन है। हाँ, मैंने आपको अंदर नहीं दिखाया, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया आ जाएगा। एंड सी लाइक दिस। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? तो ये है, मैं क्राफ्ट का वेट कर रही हूँ, आई होप वो आ जाए। आवाज़ सुनाई दे रही है? यस। सी 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 नाउ। ओ दिस इज़ द व्यू आई वॉज वेटिंग फॉर। अच्छे से नहीं आए, दूसरा भी आने वाला है उसके बाद। आई होप आपको मेरी डेकोरेशन पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने कहा, मेरा पूरा वेस्ट का है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक एयरक्राफ्ट एक और आने वाला है एंड आई होप मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ से। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, आई बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, बाय द वे, ये बगल वालों का जो घर है, इन्होंने देखिए पेड़ को क्या किया हुआ है। आई होप यू कैन सी, दैट्स द येलो ट्री, येलो कलर ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, द येलो येलो। सी, ये पेड़ ख़राब हो गया था पूरी तरीके से, मतलब इट वॉज़, वो कहते हैं ना पेड़ जब ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तो वो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था। इन लोगों ने क्या किया, उसको रेड पेंट कर दिया एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। मैं बस वेट कर रही हूँ एयरक्राफ्ट आ जाए। चलिए मैं आपको बाय कर देती हूँ और एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनी आइडियाज़ अबाउट द डेकोरेशन, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ठीक है? चलिए, आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। बाय तो मैं आपको पहले ही कर चुकी थी, बट दिस इज माई अनदर बाय। देखते हैं अभी मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक तो पढ़ाई तो कर रही है, दूसरी वाली को देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा बिजी हूँ, ट्रैक में आके करती हूँ। देखिए एयरक्राफ्ट की साउंड आ रही है। आप बाहर वाला व्यू नहीं ले सकते, अंदर वाला तो ऑफकोर्स आप बैठ के फोटोज़ वीडियोज़ दे सकते हो, बट आपके बगल से टेक ऑफ लैंडिंग का व्यू बहुत मुश्किल से आता है। मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ, मुझे स्क्वायरल दिख रही हैं एंड यू नो दे आर लिटरली रनिंग एवरीवेयर एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम लाइकिंग द व्यू। मौसम भी अच्छा हो रहा है। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए, लाइक माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जाओ जाओ, बहुत सारा प्यार आप लोगों को देती हूँ मैं आपको। लाइट इज हेयर 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 एंड हेयर 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 सी द लाइट्स। तो ये है लाइट्स।